दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर हिमाचल के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस नेताओं को ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि कांग्रेस का दो बार के चुनावों में वोटों में भारी गिरावट आना चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद और हिंदुवाद का नाम लेकर बीजेपी पर लांछन लगा रही है और कह रही है कि दिल्ली में राष्ट्रवाद हार गया, तो वह खुद बताएं कि कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ है या नहीं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भाजपा ने सोच समझकर राष्ट्रवाद को लेकर नीति बनाई थी, लेकिन दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस नेताओं का राष्ट्रवाद के नाम पर बेतुकी बयानबाजी करना ठीक नहीं है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का ग्राफ पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि दिल्ली में 15 वर्ष सत्ता में रहने के बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस को 26% वोट मिले, तो 2015 में लगभग 10% और इस बार 4% वोट ही कांग्रेस को मिले हैं, जो कि कांग्रेस की गिरावट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा हिमाचल में डबल इंजन फेल के बयानों पर प्रोफेसर धूमल ने कहा कि केंद्र की सरकार ने हिमाचल को 14वें और 15वें वित्त आयोग में ग्रांट की वृद्धि कर प्रदेश के विकास के इंजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग केवल डायलॉग मारने में ही माहिर हैं, लेकिन बीजेपी सरकारें काम करवाने में विश्वास रखती हैं। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।